नाथ, जो स्वार्थी लोग हैं वो हमें सहयोगी लगते हैं और जो सेवार्थी है वो हमको धन लूटने वाले लगते हैं। करुणा निधान, इसलिए गरीब सुदामा जी नहीं है, उनके मन में धन की कोई इच्छा ही नहीं। वस्तु नहीं हो और वस्तु का रोना रोया जाए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो गरीब है। लेकिन उनको अभाव तो खटकता ही नहीं है, उल्टा प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुदामा जी, हे ठाकुर, तुमने बहुत कृपा करी, जो धन नहीं दिया, धन देते तो तुम्हारा भजन कब करता, उस धन का ही जोड़ मिलाता रहता, आज इतना आया, आज उतना आया, जो आपका भजन कब करता, आपका भजन कब करता। अच्छा किया जो धन नहीं दिया। पति पत्नी दोनों प्रभु का स्मरण करते रहते, लेकिन एक बार सुदामा जी महाराज की पत्नी को लगा कि मेरे स्वामी को मुझे एक बार तो द्वारिकाधीश से भेंट करने के लिए भेजना चाहिए, धन के लिए नहीं, प्रसन्नता के लिए। मेरे स्वामी को द्वारिकाधीश के प्रति बड़ा अनुराग है, बहुत प्रेम करते मेरे स्वामी द्वारिकाधीश से, तो मेरे स्वामी को बहुत प्रसन्नता होगी द्वारिकाधीश से मिल करके, इसलिए मैं इनको भेजूं। और सुदामा जी की पत्नी आग्रह करती है, स्वामी एक बार आप जाओ और अपने मित्र से मिल आओ। अरे, लोग कहेंगे देखो धन के लोभ से आया है। स्वामी, लोगों को कहने में क्या जोर पड़ता है, आप तो जानते हैं ना कि आप अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, आपको वो इतने प्यारे लगते हैं कि आप नींद में भी उनका नाम लेते हैं। एक 6 माह के बच्चे को, एक वर्ष भर के बच्चे को अपनी माँ जितनी प्यारी लगती, उतने आपको वो प्यारे लगते। मैंने आपको कई बार नींद में कन्हैया कन्हैया नाम लेते सुना है, आप क्यों नहीं जाते, आप जाइए, मिलके आइए। सुदामा जी कहते ठीक है देवी, तू कहती है तो जाता हूं, लेकिन देवी खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास कोई तो ऐसी वस्तु हो जो उसको सुख दे। कोई व्यक्ति अपने प्रियतम के पास जब भी जाता है, अपने अत्यंत प्रियजन के पास जाता है, तो सबसे पहले सोचता है कि ऐसी कुछ भेंट लेके जाऊं जिसको देखकर, जिस भेंट को पाकर उन्हें सुख मिले, उन्हें प्रसन्नता मिले, ऐसी कुछ भेंट लेकर जाऊं। सुदामा जी भी कहते मैं ऐसा क्या ले जाऊं जिससे उन्हें सुख मिले। पत्नी कहती मैं लाती हूं, और पत्नी वो तंदूर लेकर आई, चावल चिवड़ा लेकर आई और लाकर दिया, स्वामी ये ले जाओ, और कोई कपड़ा तो है नहीं, यही मेरा ओढ़नी का कपड़ा, इसी को ले जाओ। इसमें क्या है देवी, तंदुल है, चावल है। सुदामा जी रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे, देवी तू कितनी भोली है, तू कितनी भोली है। रोज जिस द्वारिकाधीश के यहां 56 भोग बनते हैं, हीरे मणि माणिक के पात्र जिसके यहां ऐसे ही पड़े हैं, उस द्वारिकाधीश को सुख देने के लिए अपने पास में खाली एक ये चावलों की पोटली है, देवी इससे उसे भला कैसे सुखी करेंगे। सुदामा जी की पत्नी कहती है स्वामी, आपका मित्र को मैं तो अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि आपके मित्र को वस्तु की अपेक्षा भाव और प्रेम प्रिय है, और हे स्वामी, इन तंदुलों में मेरा संपूर्ण भाव और प्रेम समाया है। हे स्वामी, इन तंदुलों के रूप में मैं ही आपके साथ चल रही हूं, आप ऐसा मान, मैं ही चल रही हूं। और कृष्ण प्रेम में पगे हुए, भरे हुए सुदामा जी, कृष्ण प्रेमियों की अदाई कुछ और होती, पास में कुछ नहीं लेकिन फिर भी अंतकरण दैदीप्यमान। उस पोटली को लेकर छाती से लगाया,
जाऊं। सुदामा जी की पत्नी भी परम भक्ता थी भाई। हा स्वामी, आप अपने मित्र से मिलिएगा, उनकी कुशलता पूछिएगा। और अगर आपको याद आ जावे तो उन द्वारिकाधीश को मेरी भी याद दे देना, कहना तेरी भाभी भी तुझे याद करती है, कभी अपनी भाभी से भी तो मिलने को आना, उसको कहना मैं उसकी भाभी हूं। भाभी देवर को मिलने नहीं जाती है, देवर को भाभी से मिलने आना पड़ता है, कह देना उनको। सुदामा जी के तू कितनी बोली है, तेरी कितनी आत्मीयता है। अरे मैं जा रहा हूं कृष्ण से मिलने, असली अधिकारिणी तो तू है कृष्ण से मिलने की, तेरी कितनी आत्मीयता है। नाथ कन्हैया ऐसा है कि उसके बारे में सोचते सोचते भी उसके साथ रिश्ता कायम हो जाता है। संसार के लोग तो कुछ प्रक्रिया करके रिश्ता जोड़ते हैं, सूत्र बांध कर कोई बहन भाई बनाती है, चुनरी उड़ाकर कोई वो ऐसे होता है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे कि इनके बारे में सोचते रहेंगे तो आपका रिश्ता बन जाएगा। अगर चाहते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध हो तो कृष्ण का चिंतन करते रहे, कृष्ण का चिंतन करते रहे, तो संबंध हो जाएगा नाथ। तो नाथ सुदामा जी महाराज चले, चलते चलते कृष्ण को याद करते करते द्वारिकापुरी आए। द्वारिका में आकर कान्हा के घर के द्वार पर द्वारपालों से मिले, उन्हें कहा भैया जाकर तुम अपने स्वामी से कहो ना मैं उनका मित्र सुदामा आया हूं। अब द्वारपाल मन में सोचते हैं कि ये कैसा मित्र है, ये कैसा मित्र है। लेकिन द्वारपालों ने सोचा ब्राह्मण लगते हैं, ब्राह्मण के साथ विवाद ठीक नहीं। और इधर द्वारिकाधीश तो जब से सुदामा घर से निकला है तब से व्याकुल हो रहे हैं, मेरा सुदामा आ रहा है, मेरा सुदामा आ रहा है। ठाकुर को अपने प्रेमियों का कैसा इंतजार रहता है। ना आप पंढरपुर आए, आपको पता है जब आपने पंढरपुर आने की भावना करी तभी से पंढरीनाथ आपका इंतजार करने लग गया था। तब से ही पंढरीनाथ अपना इंतजार करने लगे। लेकिन हम अपनी भूल भी याद कर ले, हमारी भूल क्या रही, हम आते ही सबसे पहले भैया कोई आदमी हमारा इंतजार कर रहा हो, एक पति परदेश से आता है तो आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को मिलता है, अपनी मां को मिलता है, क्यों, उसको पता है कि वो मेरा बहुत समय से इंतजार कर रहे। हमें आते ही पंढरीनाथ से मिलना था, क्यों, 2 महीने से वो हमारा इंतजार कर रहे, मेरा भक्त आने वाला। आपने पंढरीनाथ को अपना गिना या नहीं गिना, आपने उसके यहां आने का मानस बनाया, उसमें उसने आपको अपना गिन लिया। लेकिन हम कहीं चूके हैं भाई, वो 2 महीने से इंतजार कर रहा है, हम पहले उससे तो मिल लें। इसलिए नाथ ये लोभ सुदामा जी को भी दिया गया था, सुदामा जी को भी द्वारपालों ने कहा कि अतिथि गृह में चलिए, वहां चलिए, वहां नहीं भाई, मैं अतिथि होने के योग्य नहीं हूं, मैं तो दर्शन भिखारी, भिखारी का कहां घर होता है, मैं तो भिखारी हूं, कृष्ण का मुख देखने के लिए आया हूं, कृष्ण का मुख देखने के लिए।
तुम उसका मुख दिखा दो, कहो तो यहां खड़ा रहो, भीतर ले चलो तो भीतर चलो, कहो तो पेड़ के पीछे खड़ा हो जाओ, तुम कहो जा बस भैया मुझे कृष्ण से कोई बात भी नहीं करनी है, ए ये पोटली है मेरी भोली भाली पत्नी ने दे दी, ए कृष्ण के क्या काम की, भैया ये तुम ले जाओ, तुम अपने घर में काम ले लेना, ये थोड़े से चावल है, नहीं लगे काम तो कहीं गिरा देना, क्या ऐसे ले आया उसका मन रखने के लिए, पर एक बार उसका मुख दिखा दो, दर्शन को नैना तपेला बचन सुनन को का, दर्शन को नैना तपेला बचन सुनन को तपे मेरे जिय के जीवन प्राण वरधनवासी सावरेना तुम बिन अब तुम भी न रहो न जा, तुम भी न रहो न जा। एक बार उसका मुख दिखा दो बस भैया, दरबार में कहीं आजू बाजू में खिड़की लगी हो तो वो हमें बता दो, मैं खिड़की में से देखकर चला जाऊंगा, मेरा और कोई यह प्रयोजन नहीं है, सिर्फ एक बार। एक बार कृष्ण का मुख देखना भैया, मुझे बहुत समय हो गया कानों को देखे, बहुत समय हो गया। हम कब गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, तब से बिछुड़े हैं, देखा नहीं उसको, उसके घुंघराली लटों की बहुत याद आती है, उसके पुष्कर नेत्रों की खूब याद आती है, उसके मोर मुकुट की खूब याद आती है, उसकी वो मन भावन चलन बहुत याद आती है। मेरे साथ वो जो छेड़खानी करता था वो मुझे बहुत याद आती, मुझे एक बार उसका मुख दिखा दो बस, बहुत दिन हो गए, जब तक नहीं आया था तब तक कैसी करके संभाल लिया था मन को, लेकिन भैया अब मन ठहरता नहीं है, तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाकर द्वारिका जी से आज्ञा लाओ और जल्दी मुझे दर्शन करो, जल्दी जाओ, मुझे एक बार कृष्ण का मुख दिखला दो भैया, मैं तुम्हारे घर नौकर रह जाऊंगा, वापिस नहीं जाऊंगा, ब्राह्मणी को छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर गुलामी करूंगा, तुम एक बार मुझे कृष्ण का मुख दिखला, इसे कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा। इसको कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा।
द्वारपाल गदगद हो गया कि अरे इतना जिसका प्रेम है उसे मैं कैसे रखूं बाहर, मैं जाता कहा। द्वारपाल भीगी हुई आंखें लेकर जाता है द्वारिकाधीश के पास, महाराज महाराज महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, यद्यपि दिखने में तो बिल्कुल सीधे और सरल और दीन लगते हैं, लेकिन प्रभु आपका नाम बहुत भाव से लेते हैं, आपसे मिलने की उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा है प्रभु। अरे तो लाए क्यों नहीं, तुम जानते नहीं मुझसे मिलने की यही तो एक पात्रता है, तीव्र उत्कंठा, लाए क्यों नहीं। द्वारपाल बोले, महाराज हमने सोचा एक बार आपसे आज्ञा ले ली जाए, उनका परिचय आपको बता दिया। क्या है उनका परिचय, क्या नाम है उनका? महाराज जब हमने परिचय पूछा तो इतना ही कहा कि मैं एक दर्श भिखारी हूं और अपना नाम सुदामा। क्या सुदामा? दौड़ पड़ा द्वारिकाधीश, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, बिना श्री के बिना जी के बिना कुछ उपमा के दौड़ पड़ा द्वारिकाधीश। क्यों? क्योंकि आज द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश बनकर नहीं जा रहे हैं, सुदामा का नाम सुनते ही उछले हैं ठाकुर, मुकुट गया कहीं दूर और इतनी द्रुत गति से खड़े हुए कि पीतांबर झटक कर पीछे चला गया, और जो दौड़े कहीं पादुका गिरी। प्रभु की सेवा में तत्पर रहने वाले छत्रधारी चमर छत्र दंड सब छूट गए पीछे, जो व्यक्ति आगे चलता था वो चूक गया, मार्ग में गलीचे बिछाए जाते जब ठाकुर चलता था, लेकिन आज कुछ नहीं है महाराज। गले में एक वनमाला पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, बिखरे हुए केश, और सुदामा 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 करते हुए दौड़ता जा रहा है द्वारिकाधीश महाराज। आज कोई राजा महाराजा नहीं जा रहा है, सुदामा का मित्र जा रहा है, सुदामा का मित्र जा रहा है। और मित्रता तो सम में रहती है, मित्रता तो सम में रहती, ठाकुर कहते आज मैं सुदामा के सम होके जा रहा हूं। सुदामा ने इतना लंबा रास्ता द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश मेरा नाम लेकर तय किया। सुदामा अपने घर से निकला मेरा नाम लेकर, वो पूरे रास्ते उसने मेरा नाम लिया है, वो मुझे मिलने के लिए आया है तो पूरे रास्ते मेरा नाम लेता है, तो कम से कम मैं अपने द्वार तक तो मैं भी उसका नाम लेते हुए जाऊं, अपने द्वार तक तो मैं कम से कम मैं भी उसका नाम लेते हुए जाऊं। वो तो अपने घर से नंगे पांव आया है, कम से कम मैं अपने सिंहासन से द्वार तक तो उसके लिए मैं भी नंगे पांव जाऊं। वो अपने घर से ही बिना कपड़ों के निकला है, कम से कम उसके पास तो मैं भी पीतांबर छोड़कर जाऊं। मैं सुदामा से सुदामा जैसा ही होकर मिलूंगा, वस्त्र में चलने में मैं उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी उसके हृदय के भाव की तो बराबरी मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। आए हैं ठाकुर, सुदामा एक कोने में खड़ा है, मानो कोई भूल करके खड़ा है। ठाकुर बाहर आए, कहां है भैया, तुम बता रहे थे ना सुदामा आया, कहां है मुझे बताओ ना, किधर है वो? सुदामा एकदम अचंभित होकर कोने में खड़े है, द्वारपाल का ये खड़े, अरे सुदामा आना इधर। ठाकुर ने लगा लिया सुदामा को जट से अपने गले। दोनों मित्रों के
कंधे भीगे जा रहे हैं, इधर सुदामा के आंख से अश्रुपात होता है, इधर कान्हा के कमल जैसे नेत्र आज कोरे जल से भर गए। छूटते नहीं है दोनों मित्र, हृदय से अलग नहीं होते हैं। सुदामा ने प्रभु को अलग किया, क्या सोचकर, मैं इतनी देर दूर से आया हूं, मेरा शरीर तो रुक्ष है, कठोर है, कृष्ण का वक्ष स्थल तो कोमल है, उसको कष्ट लगेगा, मैं बहुत कठोर हूं सुदामा, अपने निज जनों को कितना कष्ट देता हूं, मेरे को मिलने के लिए तुझे कितनी पीड़ा उठानी पड़ी। ठाकुर अपने को कहते हैं, मैं कैसा भक्त रक्षक हूं। रात सुदामा जी के शरीर को ठाकुर जी ने अपने पीतांबर से पोछा, रुक्मिणी जल लाओ, अपने हाथों से सुदामा को जल पिलाया, सुदामा जी के चरणों में चंदन लगाया, पाँव में बहुत कष्ट हुआ है तुझको, फिर बिठाया, फिर तंदुलों की बारी आई, इतने प्रेम से ठाकुर ने वो तंदुल खाए हैं, मैं क्या वर्णन करूं भाई, क्या वर्णन करूं। तंदुलों को खाया ठाकुर ने, सुदामा तुझे मेरी फिक्र नहीं होती रे। सुदामा कहता, प्रभु आप द्वारिकाधीश, कन्हैया तेरी फिक्र करने के लिए इतने लोग हैं, और मैंने तो सुना तेरी रानियां भी बहुत हैं, क्या कोई तेरी फिक्र नहीं करता। द्वारिकाधीश कहते, तू भी इन्हीं के भरोसे है, तूने मेरी फिक्र नहीं करी। लाला मैं तो एक दीन ब्राह्मण, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता है बताए तुझे, मैं जब से ब्रज को छोड़कर आया हूं तब से मैं भूखा हूं, आज मेरी भाभी ने जो भेजा है ना तंदूर, इससे आज मेरी पेट, आज मेरा पेट भरा है, आज इन चावलों से मेरा पेट भरा है, तू पहले क्यों नहीं लाया, तुझको पता नहीं था क्या मेरा काना भूखा है, पता नहीं था। सुदामा सोचता है, मैं क्या सोचता था कि काना, और ये कैसा काना, ये काना तो काना है भाई। सुदामा जी के खूब सेवा करी ठाकुर, रात भर सुदामा के चरण दबाते रहे, सुदामा रात भर कहता रहा, लाला तू सो जा, कान्हा अब तू सो जा, कान्हा कहता, सुदामा तेरी नींद में ही मेरी नींद है, तू अगर सुख से सो गया तो मेरा सुख है, कन्हैया तू जा अब सो। सुदामा जी अगले दिन कन्हैया के पास आते, कान्हा अब तो मैं जाऊं, मिल लिया तुझसे, तुझे देखने की इच्छा थी। ठाकुर कहते, बैठना, भोजन तो करके जा। इतने में रुक्मिणी जी और सब आ गईं, उद्धव जी भी वहां थे, वो भी आ गए, सब रानी आकर कहती है, महाराज ये आपका मित्र इतनी दूर से आया और आपको इतना प्रिय लगता है तो इसको कम से कम कुछ दीजिए तो सही। ठाकुर जी बोले, इसको क्या दूं, पूछो इसको ये कुछ लेगा क्या, मैं इसको क्या दूं। रुक्मिणी जी ने कहा, आप बहुत कंजूस हैं,
आप पूछते ही नहीं है, आप घबराते कुछ ज्यादा मांग लिया तो। ठाकुर कहते रुक्मणी ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूं इस सुदामा को, इसके लिए मेरे सुख के अलावा और कोई दूसरी चीज मांगने के लिए है नहीं। बोले नहीं नहीं, आप तो कहते नहीं, आप तो बहुत कंजूसी कर रहे, क्या फर्क पड़ेगा, ब्राह्मण है कुछ ले जाएगा तो। अरे चलो रुक्मणी, तुमको नहीं मानने में आता, चलो तुम्हारे सामने कहता हूं। और आए ठाकुर और सुदामा को कहते, सुदामा मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुझे कुछ दूं, बोल मैं तुझे क्या दूं, मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। रुक्मणी जी सोचती है कि गरीब ब्राह्मण है, अभी कहेगा कि ऐसा महल बना के दो। सत्य बाबा जी सोचती है, अभी कह देंगे कुछ मुद्राएं दो। उद्धव जी सोचते निश्चित रूप से कुछ वैभव मांग लेगा, लेकिन सब देखते रह गए। ठाकुर ने कहा सुदामा कुछ मांग। सुदामा कहता है काना बस इतना ही मांगता हूं, तू आजकल बहुत काम करता है, बहुत जगह जाता है, जगह जगह तू राजाओं को मिलने जाता है, तू थोड़ा विश्राम कर ले, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मांग, तू थोड़ा विश्राम, तू बहुत थक गया है काना, तू बहुत थक गया, तू थोड़ा विश्राम कर। रुक्मणी उद्धव सब चकित, ये क्या मांग। ठाकुर रोते हैं, सुदामा मेरा विश्राम तो तू है, तू जा रहा है फिर क्या विश्राम करूंगा, नहीं काना मैं आऊंगा। सुदामा जी को छोड़ने के लिए ठाकुर जी जाते साथ साथ, बार बार सुदामा कहता तू चला जा काना, तू चला जा काना, तू चला जा काना, तू चला जा। ठाकुर जाते नहीं है। एकदम जब द्वार आ गया तब तो सुदामा बोला काना अब तुझे मेरी शपथ है, जो तू आए तू चला जा। और नाथ अब सुदामा अकेला जा रहा है, नाथ अकेला जा रहा है। मन तो करता है सुदामा का कि एक बार मुड़ के देखूं, जाते जाते एक बार और कृष्ण का मुख दर्शन कर लूं, लेकिन मन में आती है कि फिर जा नहीं पाऊंगा, कृष्ण का उदास चेहरा देख करके मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, मेरे कारण कृष्ण उदास हो रहा। इसलिए सुदामा जी चाह करके भी मुड़ के नहीं देखते, सीधे सीधे चले जाते हैं। और ठाकुर जब तक सुदामा दिखता है तब तक खड़े खड़े आंसू बहाते हैं, और जब सुदामा जी नहीं दिखते हैं तो उस मार्ग को देखते हैं और रोते हैं, उद्धव मेरा मित्र चला गया, मेरा सखा चला गया। उद्धव ने कहा प्रभु मैं एक प्रश्न करूं आपसे, आप इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, आपके पास साधन की कोई कमी नहीं। ये सुदामा जब आया था तब पैदल आया था, इसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन जाते समय तो कम से कम आप कृपा करके इन्हें किसी रथ पर या पालकी में भेज देते, पैदल कब तक पहुंचेगी। ठाकुर कहते हैं उद्धव मैं भेज सकता था, मैं सुदामा को रथ में या पालकी में भेज सकता था, लेकिन मेरे मन में लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? बस इतना ही लोभ कि मेरा ये मित्र, मेरा ये भक्त, मेरा ये प्रेमी सुदामा जितने रास्ते पैदल जाएगा उतना मेरा मार्ग, उतनी मेरी भूमि पवित्र हो जाए, उतनी मेरी भूमि पवित्र हो जाए, इसलिए मैं। और प्रभु चले सुदामा जी, आहा। घर आए, अपार वैभव, लेकिन उस वैभव में तनिक भी आसक्ति नहीं करी। सुदामा जी ने वो वैभव सब बांट दिया, अपने पास में क्या रखा,
खाली भगवान के नाम का वैभव।